everyone, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में मैराथन वीडियोस भी इंक्लूड कर रही हूँ। और आज का जो मैराथन वीडियो रहेगा वो लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड है, यानी कि अधिगम के सिद्धांत को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली जो मैराथन वीडियो थी उसमें हमने जो लर्निंग की थ्री प्राइमरी थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैंने चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज को इंक्लूड किया है। कौन कौन सी चार थ्योरीज रहेंगी? पहली थ्योरी रहेगी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत क्या है थॉर्नडाइक का। और साथ ही थॉर्नडाइक ने जो है लर्निंग के प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज भी बताए हैं, उनको भी मैंने डिटेल में इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसके बाद हम कोहलर की इनसाइट थ्योरी, यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या है, जो कि कोहलर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद पेवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और इन दो थ्योरीज में, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में डिफरेंस क्या होता है, उसको भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक, कोहलर, पेवलो और स्किनर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लर्निंग की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। बहुत ही फेमस थ्योरी है लर्निंग की, और ये थ्योरी आती है बिहेवियरिज्म के अंतर्गत, ठीक है। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम हिंदी में प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक उनका पूरा नाम था। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशन साइकोलॉजी के एक्सपर्ट थे। उनके द्वारा ये थ्योरी डेवलप की गई है। थॉर्नडाइक का जन्म विलियम्सबर्ग में 31 अगस्त 1874 में हुआ था। उनकी डेथ न्यूयॉर्क के मॉन्ट्रोस में 10 अगस्त 1949 में हो गई थी। उन्होंने अपनी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की थी। इसके बाद उन्होंने कोलम्बिया के टीचर कॉलेज में जेम्स मकीन कैटल के अंडर कुछ समय तक काम किया था। वहाँ उनका पैशन देखा गया था लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन और इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, इंटेलिजेंस की भी एक थॉर्नडाइक की थ्योरी है। तो इन तीन फील्ड में उनका पैशन था। और लगभग 24 की एज में 1898 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था एनिमल इंटेलिजेंस। और एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो एनिमल एसोसिएशन प्रोसेस इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में किस तरह से एसोसिएशन की प्रक्रिया होती है उसके ऊपर आधारित है। अगर हम थॉर्नडाइक के प्रोफेशन की बात करें तो वो एक एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट थे। तो आइए देखते हैं जो एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो क्या है, किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक बार डिटेल में समझते हैं। तो देखिए उन्होंने, अगर हम उनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने काफ़ी एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। रैट, पिजन, रैबिट, कैट, डॉग, इन सब पर एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि चिंपैंजीज पर वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए थे। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट फेमस था वो था कैट पर, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उसके द्वारा ही हम इस थ्योरी को आज समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उसके लिए एक पजल बॉक्स बनाया गया था। इसको पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। देखिए पजल बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये बॉक्स बनाया गया था वो अपने आप में ही एक पजल की तरह था, तो इसलिए इसको पजल बॉक्स कहा जाता है। तो पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा किया गया था कैट के ऊपर, और ये इनका साइकोलॉजी में लर्निंग के लिए काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। देखिए एक्सपेरिमेंट सेटअप जो किया गया था बहुत ही सिंपल था। एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था कि ये एक पजल बॉक्स है, इसके अंदर एक भूखी बिल्ली को रखा जाता है। बिल्ली भूखी है और इस पजल बॉक्स के बाहर खाने के लिए एक फिश रख दी जाती है जो कि स्टिमुलस का काम करेगी, यानी कि बिल्ली को उत्तेजित करेगी। तो बिल्ली इसको खाने के लिए इधर उधर रैंडम प्रयास करेगी। लेकिन क्या है, जो पजल बॉक्स बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है कि एक स्ट्रिंग जो है ट्रैप डोर और इस लीवर से अटैच है। अगर बिल्ली का पैर इस लीवर पर पड़ता है, ये प्रेस हो जाता है, तो ये स्ट्रिंग इस तरह से अटैच की गई है कि ट्रैप डोर खुल जाएगा और बिल्ली जो है बाहर आकर इस भोजन को खा सकती है। लेकिन बिल्ली को पता नहीं है, वो रैंडम प्रयास करती है, रैंडम मूवमेंट करती है, जंप करती है, इधर उधर भागती है। तो अचानक क्या होता है कि इस लीवर पर बिल्ली का पैर पड़ जाता है और ये ट्रैप डोर खुल जाता है, और बिल्ली को रिवार्ड के रूप में क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, वो खा लेती है।
देखिए इसी प्रयास को बार बार रिपीट किया गया। जब दोबारा से भूखी बिल्ली को इस पजल बॉक्स में रखा जाता है तो वो उसी तरह से बिहेव करती है, उसी तरह से रैंडम रिस्पॉन्स करती है, लेकिन पहली बार उसने जितने प्रयास किए थे उसके मुकाबले वो थोड़ा जल्दी बाहर आ जाती है। मान लो उसने स्टार्टिंग में 100 रिस्पॉन्स किए हों बाहर आने के लिए, लेकिन जब दूसरी बार उसको रखा गया हो तो वो लगभग 80 रिस्पॉन्स में ही बाहर आ गई हूँ। तो इस ट्रायल को बार 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 रिपीट किया गया, तो जितनी बार उसको रिपीट किया जा रहा था उसके जो रेंडम मूवमेंट थे वो कम हो रहे थे, यानी कि वो गलतियाँ धीरे धीरे उसकी कम होती जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली को जब अंदर बंद किया जाता है तो वो डायरेक्ट लीवर को प्रेस करती है और बाहर आ जाती है। तो यहाँ जो थॉर्नडाइक है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बिल्ली में धीरे धीरे ग्रेजुअल कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस तरह से हुआ है सक्सेसिव ट्रायल्स के बाद, यानी कि जितनी बार प्रयास किए गए उसकी जो गलतियाँ थी वो धीरे धीरे कम होती गई, यानी कि उसकी परफॉर्मेंसेस में सुधार आया है। तो थॉर्नडाइक कंक्लूड करते हैं इस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो उन्होंने कैट के ऊपर किया, वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन होता है जिसके आधार पर लर्निंग होती है। मान लो यहाँ भूखी बिल्ली के सामने अगर स्टिमुलस के रूप में भोजन नहीं होता तो वो रिस्पॉन्ड करती ही नहीं। तो कहना चाह रहे हैं कि जितना स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना स्टिमुलस उसको मोटिवेट करेगा उतने ही वो रिस्पॉन्ड करेगी बाहर निकलने के लिए। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन बनता है उसके आधार पर लर्निंग होती है, उसके फॉर्मेशन से लर्निंग होती है। तो दोस्तों इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है इस थ्योरी के की पॉइंट्स? ट्रायल और एरर थ्योरी ये कहती है कि व्यक्ति जितने ट्रायल करेगा उसकी जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं वो कम होती जाएंगी, यानी कि जितने प्रयास करेगा उसकी गलतियां कम हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो विदाउट मिस्टेक्स के, विदाउट एरर के अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर लेगा, अपने गोल को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति जितने प्रयास करेगा। ईएल थॉर्नडाइक इस थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट हैं। इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से या एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए थॉर्नडाइक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लर्निंग पर सिस्टमेटिकली काम किया, मतलब एक फुल प्रोसीजर के तहत उन्होंने काम किया था। और वो ये कहते हैं कि जितनी भी तरह की लर्निंग होती है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन या जो बॉन्ड बनता है उसके फॉर्मेशन के द्वारा होती है। तो यहाँ जो कैट पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? कैट होती है। स्टिमुलस क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको स्टिमुलेट कर रही है, उसको उत्तेजित कर रही है? तो फूड जो पजल बॉक्स के बाहर रखा होता है, फूड स्टिमुलस का काम कर रहा है। मोटिवेट यानी कि मोटिवेशन उसको कहाँ से मिल रहा है? उसकी स्मेल से वो उत्तेजित हो रही है। और ड्राइव क्या है, यानी कि हंगर है, क्योंकि अगर बिल्ली भूखी ही नहीं होगी तो वो उसको प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करेगी। तो ड्राइव का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के कुछ लॉज भी बताए हैं। तो उनके जो लॉ हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। तो आज की इस वीडियो में हम इनके दोनों ही यानी कि प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लॉज को डिस्कस करेंगे। देखिए उन्होंने तीन प्राइमरी लॉज बताए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और सेकेंडरी लॉज उनके कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। तो इन दोनों ही तरह के लॉज को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्राइमरी लॉज डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी लॉज में पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है। देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस को हिंदी में हम कहेंगे तैयारी का नियम। तो प्राइमरी लॉ है एक लर्निंग का जिसको लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। कि कहने का मतलब ये है कि बच्चा किसी काम को करने के लिए कितना तैयार है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। अगर बच्चा किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं है, यानी कि उसने इस तरह का एटीट्यूड ही सेट नहीं किया है कि उस काम को करने के लिए वो प्रिपेयर्ड हो, तो वो उस काम को कर ही नहीं पाएगा। तो लर्निंग को हम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक कि बच्चा खुद तैयार ना हो, खुद प्रिपेयर ना हो सीखने के लिए। मान लो आपको टाइपिंग करना सीखना है। मुझे ही, मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे को टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती,
तो मेरे अंदर टाइपिंग को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता जब तक मैं खुद उसको सीखने के लिए रेडी नहीं होऊंगी, बिल्कुल डेडिकेशन से उस पर काम नहीं करूंगी, उसको करने के लिए तैयार ही नहीं होऊंगी, तो टाइपिंग मुझे आ ही नहीं सकती। तो किसी भी काम को करने के लिए रेडी होना, प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस काम को व्यक्ति सीख सकता है। तो लो ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि अगर बच्चा किसी काम को करने के लिए प्रिपेयर है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तभी वो अच्छे से किसी चीज़ को सीख सकता है, क्योंकि लर्निंग को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं कर सकते। लर्निंग तभी बेहतर हो सकती है जब व्यक्ति खुद प्रिपेयर हो, रेडी हो किसी काम को करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या हम इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है कि व्यक्ति जितनी ड्रिल और प्रैक्टिस करेगा उतनी ही उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एक कहावत भी है ना, और एक कबीर जी का दोहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मतीत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही एफिशिएंसी इंक्रीज होती चली जाएगी, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो थोंडाइक भी ये कहते हैं कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो भी कमज़ोर होता चला जाएगा अगर व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो इस लॉ को, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को समझने के लिए इसको लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉ ऑफ यूज का मतलब है विद प्रैक्टिस द कनेक्शन इज स्ट्रेंथन्ड, यानी कि जितनी प्रैक्टिस करेंगी एसआर बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। व्हेन द प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड कनेक्शन इज वीकेंड। लॉ ऑफ डिसयूज क्या कहता है कि जितनी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो जो एसआर बॉन्ड है यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत ही कमजोर होता चला जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति फुटबॉल प्लेयर है, तो अगर वो उसकी प्रैक्टिस करेगा तो बहुत अच्छा बन सकता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका गेम उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। तो सब कुछ रेपिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे किसी काम को करने का, बार बार अभ्यास करेंगे, जैसे टाइपराइटिंग हो गया, सिंगिंग या मैथमेटिकल टेबल्स, कोई पोएम को मेमोराइज कर रहे हैं, उसकी अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो काम उतना ही अच्छा होगा, उतना ही वो यूज में रहेगा। ये अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? देखिए, लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि किस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। अगर किसी काम को करने में हमें अच्छा लग रहा है तो उस काम को हम दोबारा से करना चाहेंगे, अगर किसी काम को करके हमें अच्छा नहीं लग रहा तो उस काम से हम बचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लॉ है ये दो चीज़ों पर आधारित होता है, एक है पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और दूसरा है नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। मान लीजिए हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगता है, सामने वाला हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो हम वहाँ बार बार जाना चाहेंगे, वहाँ से हमें पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मिल रहा है, यानी कि वहाँ हमें अच्छा लग रहा है, वहाँ हमें एक तरह से पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट एक तरह से रिवॉर्ड का काम करता है कि हम उस चीज़ को बार बार करने के लिए रेडी रहेंगे। दूसरा है नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। देखिए, हम किसी रिश्तेदार के घर गए और उसने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो लाइफ में हम दोबारा कभी उसके घर नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है, एक तरह से पनिशमेंट का काम कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि अगर हमें अच्छा लगता है, हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट होता है तो हम उस काम को करना चाहेंगे, अगर हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो हम उस काम से बचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो दिए गए हैं थोंडाइक के द्वारा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है प्रिपरेशन फॉर एक्शन, यानी कि व्यक्ति कितना तैयार है किसी काम को करने के लिए, अगर रेडी होगा तो काम अच्छा होगा, अगर किसी काम को करने के लिए बच्चा रेडी ही नहीं है तो वो अच्छे से किसी काम को नहीं सीख सकता। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम कहता है कि किस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, अगर अच्छा पड़ता है तो वो रिवॉर्ड का काम करता है, अगर नेगेटिव पड़ता है तो पनिशमेंट का काम करता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि व्यक्ति जितनी प्रैक्टिस करेगा वो काम उतना ही अच्छा होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जो एसआर बॉन्ड है वो उतना ही कमजोर होता चला जाएगा, यानी कि लॉ ऑफ यूज स्ट्रेंथन कनेक्शन और लॉ ऑफ डिसयूज वीकन कनेक्शन, यानी कि जो एसआर बॉन्ड है वो उतना ही कमजोर हो जाएगा अगर किसी काम को नहीं करेगा, किसी काम की प्रैक्टिस नहीं करेगा, और अगर वो करता है प्रैक्टिस तो उतना ही एसआर बॉन्ड यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो उतना ही स्ट्रेंथन होगा। तो
दोस्तों ये थे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग जो दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। तो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं, तो ये लगभग 8 लॉ बताए हैं उन्होंने। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नेट में इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्राइमेसी। देखिए लॉ ऑफ प्राइमेसी ये कहता है कि शुरुआत से ही लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बिगिनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन का जो इम्पैक्ट रहता है वो हमेशा हमारे माइंड पे रहता है। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी यही कहता है कि बिगिनिंग अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिसेंसी। देखिए लॉ ऑफ रिसेंसी ये कहता है कि जो चीज़ रिसेंटली हुई होती है वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। जैसे अगर हम पेपर में रिवीजन करके जाते हैं तो वो चीज़ें जो हमने रिवीजन की होती है हमें अच्छे से परफेक्टली लर्न होती हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। देखिए लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस ये कहता है कि स्टिमुलस यानी कि जो उद्दीपक है उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी। मान लो जब बिल्ली के सामने भोजन रखा जाता है तो उसकी जो फिश की स्मेल है वो उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करती है। तो जितना स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी, वो उसको रिस्पोंड करने के लिए मतलब मोटिवेट कर रही है, एक तरह से उसको उत्तेजित कर रहा है। भोजन जो है उसको उत्तेजित करता है, फिश की जो स्मेल है वो उसको उत्तेजित कर रही है। तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी का जो लो है वो यही कहता है कि जितनी इंटेंसिटी स्टिमुलस की ज्यादा होगी, जितना स्टिमुलस उत्तेजित करेगा, जितना एक्साइट करेगा, उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी। नेक्स्ट है लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। देखिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेज का जो लो है वो ये कहता है कि जब तक हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते तब तक हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करते हैं। जैसे बिल्ली ने भी क्या किया, जब तक वो रिस्पॉन्स करती रही, जब तक कि वो उस ट्रैप डोर से बाहर नहीं आ गई और उसने खाना नहीं खा लिया। तो व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करता है। जैसे किसी को कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके लिए वो बहुत नेसेसरी है, तो उसके लिए वो बार बार प्रयास करेगा। जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक वो प्रयास करता रहेगा। नेक्स्ट है लो ऑफ सेट एटीट्यूड। देखिए लो ऑफ सेट एटीट्यूड ये कहता है कि किसी चीज के प्रति व्यक्ति का जैसा नजरिया है, जैसी मनोवृत्ति है, जैसा एटीट्यूड है, उस चीज को वो उसी तरीके से सीखता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। देखिए हिंदी में हम इसको सादृश्यता और समानता के नियम कह सकते हैं, यानी कि एक जैसा बिहेव करना दो घटनाओं में। मान लो कोई एक घटना पहले घटी और वैसे ही दूसरी घटना हमारे जीवन में घट जाती है, तो जैसा बिहेवियर, जिस तरह के रिस्पॉन्स हमने पहले किए थे पहली घटना के टाइम, उसी तरह के रिस्पॉन्स हम दोबारा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों घटनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये कहता है कि मान लो कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हो गई है, यानी कि किसी स्टिमुलस के प्रति कुछ रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो उस स्टिमुलस की जगह अगर हम कोई दूसरा स्टिमुलस रख देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो भी उसी प्रकार की कंडीशनिंग होगी, उसी प्रकार के रिस्पॉन्स आएंगे। ये एक तरह से पैवलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है उसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे पैवलो क्या करते हैं, जैसे डॉग होता है उसके सामने फूड रखा जाता है तो जैसे ही उसके मुंह से लार टपकता है, फूड को देखते ही लार टपकता है, लेकिन फिर फूड को किससे एसोसिएट कर दिया जाता है, बैल, फूड के साथ बैल बजाई जाती है। तो काफ़ी बार ये एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको फूड ना देकर सिर्फ बैल जब बजती है तो भी उसके मुंह से लार टपकती है, यानी कि फूड को रिप्लेस किससे कर दिया, बैल से, यानी कि एक स्टिमुलस की जगह हमने दूसरा स्टिमुलस एसोसिएट कर दिया है, तो भी उसी प्रकार की रिस्पॉन्स आती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक स्टिमुलस को हम एसोसिएट कर सकते हैं दूसरे स्टिमुलस से। नेक्स्ट है लो ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। देखिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चे को कभी भी किसी भी चीज़ को एज ए होल नहीं समझाना चाहिए। एक तरह से ये लर्निंग की जो इनसाइट थ्योरी है उसकी बिल्कुल अपोजिट है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग ये कहती है कि किसी भी चीज़ को समग्र तौर पर देखना चाहिए, एज ए होल देखना चाहिए, लेकिन थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि बच्चे को कोई भी एक्टिविटी कराई जाती है तो वो पार्शियली करवाई जानी चाहिए, यानी कि टुकड़ों में थोड़ा 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 पोर्शन करके उसको सिखाना चाहिए, तभी लर्निंग बेहतर होती है। तो दोस्तों ये थे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग जो दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। अब हम देखेंगे इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि इसका शैक्षिक प्रभाव क्या है, किस तरह से ये हमारी शिक्षा में हेल्पफुल हो सकती है। देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी काम को हमें इजी टू डिफिकल्ट करना चाहिए, यानी कि किसी भी काम का पहले हमें इजियर एस्पेक्ट देखना चाहिए, फिर उसकी डिफिकल्ट साइड की तरफ बढ़ना चाहिए।
तो एक तरह से वीकर और बैकवर्ड बच्चों के लिए थ्योरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है, देखिए कुछ छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ स्किल्स का डेवलपमेंट ट्रायल और एरर मेथड के द्वारा करवाया जाता है, जैसे सिट, स्टैंड, वॉक, रन। तो इस तरह की जो स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट बच्चों में किया जा सकता है। और साथ ही बच्चों की जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती, तो उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है बार बार ट्रायल एंड एरर के मेथड के द्वारा, यानी कि बार बार उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि उनकी गलतियाँ कम से कम हों। नेक्स्ट पॉइंट है, इस थ्योरी में मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, क्योंकि बच्चे को जिस तरह से मोटिवेट किया जाएगा उसी प्रकार से उसकी लर्निंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस बच्चा करेगा, प्रैक्टिस का तो हमने लॉ ऑफ प्रैक्टिस में भी देखा कि किस तरह से इफेक्ट पड़ता है प्रैक्टिस का, यानी कि जितनी प्रैक्टिस बच्चा ज़्यादा करेगा उतना ही उसकी बेहतर लर्निंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हैबिट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेपिटेशन। कुछ हैबिट्स का फॉर्मेशन रेपिटेशन के द्वारा होता है, यानी कि जितनी रिपीट करेंगे उतनी ही कुछ जो अच्छी आदतें हम सीखना चाहते हैं तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रेपिटेशन पर इस थ्योरी में फोकस किया गया है, यानी कि रिपीट किसी चीज़ को जितना करेंगे उतना ही वो बेहतर होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस थ्योरी में, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा बच्चे की लर्निंग भी होती है। मान लो कोई टीचर है, अगर बच्चे को उत्साहित प्रोत्साहित कर दिए है, उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो वो एक तरह से रिवॉर्ड का काम करता है। अगर बच्चे को बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो एक तरह से उस चीज़ का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पर आता है और उसकी लर्निंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर फोकस किया गया है। देखिए इस थ्योरी के द्वारा जो टीचर है वो बच्चों में नेगेटिव इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे बच्चे को बार बार गुस्सा आता है, किसी से घृणा करता है, किसी से द्वेष करता है, तो बार बार बच्चे को अगर प्रैक्टिस करवाई जाती है ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा, उसके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, वो कंट्रोल करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टीचर कैन इम्प्रूव हिज टीचिंग मेथड्स। देखिए इस थ्योरी के द्वारा एक जो टीचर होती है वो अपने टीचिंग मेथड्स को भी इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर सकती है कि उसके जो टीचिंग मेथड्स हैं उनका क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। अगर बच्चे हेजिटेट करते हैं, अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसको अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूवमेंट करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इस थ्योरी में ओरल ड्रिल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी कि ओरली किसी काम को प्रैक्टिस करते रहने से भी उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। तो दोस्तों ये था एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी का, यानी कि किस तरह से हम इसको एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो आज हमने ऑल ओवर थॉर्नडाइक को डिस्कस किया है, थॉर्नडाइक की थ्योरी, उसका एक्सपेरिमेंट, उसके की पॉइंट्स, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये थ्योरी जो है आपको ऑल ओवर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या होता है। लेकिन इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग से रिलेटेड अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लर्निंग का हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने देखा था मीनिंग, डेफिनेशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम की शैलियाँ क्या कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। लर्निंग थ्योरीज या हम स्कूल्स या इजम्स या सेक्ट्स भी इनको कह सकते हैं, तो जिसमें हमने तीनों तरह के इज्म डिस्कस किए थे, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। इन सबको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद डिस्कस किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसको कनेक्शनिज्म या एसआर बोन थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। और आज हम डिस्कस करेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या होता है। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि इनसाइट थ्योरी, या हम इसको कह सकते हैं सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्या होती है। Insight learning is one of the first cognitive theories of learning. The learning theory named as learning by insight is the contribution of Gestalt psychologist. Gestalt psychology began with the work of German psychologist
who was studying the nature of perception. Wertheimer is generally considered to be the Gestalt psychology's founding father. Wertheimer, Kohler, Kafka, all of these men, originally German, eventually settled in America, are the leaders of what is historically Gestalt psychology. तो दोस्तों इनसाइट लर्निंग जो है एक कॉग्निटिव थ्योरी है. कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है, यानी कि संज्ञान से रिलेटेड है, इनसाइट से रिलेटेड है, सूझ से संबंधित है. अब कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिविज्म क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में करवाया हुआ है. आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि कुछ थ्योरीज कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत आएंगी, कुछ थ्योरीज बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आएंगी, कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आएंगी. तो ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है. कई बार आपके सीटेट या नेट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनसाइट लर्निंग किस तरह की थ्योरी है, तो ये कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी कि संज्ञान से रिलेटेड है. तो इस थ्योरी को लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है. और ये जो थ्योरी थी ये किस तरह के साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस थ्योरी को स्टार्ट किया गया था. देखिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि जर्मनी में रहते थे, और वो जो है उस टाइम नेचर ऑफ परसेप्शन पर काम कर रहे थे. नेचर ऑफ परसेप्शन यानी कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को किस तरह से समझा जा सकता है, उस टॉपिक पर, उसकी प्रगति पर वो काम कर रहे थे. देखिए गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एज अ होल, यानी कि किसी चीज को संपूर्ण तौर पर समझना. अब ये जो थ्योरी है ये दी गई है जर्मन साइकोलॉजिस्ट, यानी कि गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से थ्योरिस्ट थे जिनको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, या इसको हम कह सकते हैं गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कौन कौन से थे. तो इनमें मैक्स वर्दाइमर, वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफ्का का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. तो जो मैक्स वर्दाइमर थे उनको इस थ्योरी का फादर फाउंडर भी कहा जाता है. हिंदी में हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो किया गया था मैक्स वर्दाइमर के द्वारा, इस थ्योरी के जनक कहे जाते हैं. वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा इस थ्योरी पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट जो सुल्तान पर किया गया था या और एक दो एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए थे वो किए गए थे कोहलर के द्वारा. और कुर्ट कोफ्का जो है इनके सहयोग करता थे, इनके साथ वो काम करते थे. इसके अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट हैं कुर्ट लेविन का नाम भी गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट में आता है, लेकिन इन तीन थ्योरिस्ट को गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के नाम से जाना जाता है. तो दोस्तों ये था बेसिक इंट्रोडक्शन गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में. अब हम देखेंगे गेस्टाल्ट थ्योरी का मीनिंग क्या है, यानी कि लर्निंग बाय इनसाइट, इनसाइट का मीनिंग क्या होता है. तो ये थ्योरी गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से जानी जाती है. तो गेस्टाल्ट मैंने अभी भी बताया कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है होल, टोटल पैटर्न और कॉन्फिग्रेशन, यानी कि किसी चीज को एज अ होल समझना, समग्र तौर पर किसी चीज को समझना. तो ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी कि कॉग्निटिविज्म के तहत आती है. कौन से सेक्ट या स्कूल के तहत आती है, कॉग्निटिविज्म के तहत आती है. कॉग्निटिविज्म कहता है कि किसी भी चीज को एज ए होल समझा जाता है, किसी भी चीज को पार्ट्स में हम नहीं सीख सकते. लर्निंग जो है पार्ट्स में नहीं होती, एज ए होल हम किसी चीज को समझते हैं. तो ये एक कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी कि संज्ञान से रिलेटेड है, जो आती है कॉग्निटिविज्म के तहत. तो कॉग्निटिविज्म बिलीव करता है कि जो लर्निंग होती है वो एज अ होल होती है रेदर देन पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स में लर्निंग नहीं हो सकती. लर्निंग एज अ होल, किसी भी चीज़ को हम समग्र तौर पर सीख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को सीखा नहीं जा सकता. तो इसको प्रूव करने के लिए कोहलर के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे. वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे चिंपैंजीज के ऊपर, और वो लास्ट में इसी रिजल्ट पर पहुंचे थे कि हाईएस्ट टाइप की जो लर्निंग होती है वो इनसाइट के थ्रू होती है, यानी कि अचानक व्यक्ति के दिमाग में कोई सूझ पैदा होती है और तभी लर्निंग होती है. इनसाइट का मतलब होता है अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की गहरी समझ. तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कोहलर के द्वारा कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे. तो कोहलर ने जो है जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो चिंपैंजीज के ऊपर किए गए थे. इसके अलावा उन्होंने मेंटलिटी ऑफ एप्स नाम से एक बुक भी लिखी थी 1925 में, और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे 1913-17 में वो किए थे कैनरी आइलैंड के ऊपर. कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि किस
कौन सी जगह उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे? तो कैनरी आइलैंड नामक एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था। और इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने यही शो करने की कोशिश की है, यही समझाने की कोशिश की है कि जो अधिगम होता है या जो लर्निंग होती है वो इनसाइट के थ्रू होती है, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में अचानक सूझ पैदा होती है, उसके द्वारा वो किसी चीज़ को सीखता है, यानी कि किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किए थे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने सुल्तान के ऊपर किया था। देखिए, सुल्तान उनके चिंपैंजी का नाम था जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट ऑन सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है या एक्सपेरिमेंट विद बॉक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट, आइए देखते हैं। तो कोहलर क्या करते हैं, एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसको वो एक केज के अंदर बंद कर देते हैं, यानी कि एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। पिंजरे की छत से कुछ बनाना लटका देते हैं, यानी कि कुछ केले लटका दिए जाते हैं, और एक बॉक्स वहाँ पे रखा जाता है, इसके अलावा कुछ डंडे वगैरह वहाँ रख दिए जाते हैं। तो चिंपैंजी काफ़ी कोशिश करता है उन केलों को पकड़ने की, लेकिन वो नहीं कर पाता, सक्सीड नहीं हो पाता है। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वहाँ रखी हुई स्टिक से वो ट्राई करता है, फिर भी जब वो नहीं पकड़ पाता तो एक बॉक्स को उन बनानास के नीचे लेके आता है और डंडे की सहायता से वो केले पकड़ लेता है, केलों को निकाल लेता है। तो कोहलर ने इस प्रयोग के द्वारा ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो चिंपैंजी था उसने बनानास को प्राप्त करने के लिए कोई बार बार ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में अचानक ही कोई सूझ पैदा हुई और उसने बनानास को प्राप्त कर लिया। आगे इसी एक्सपेरिमेंट का जो डिफिकल्टी लेवल था वो बढ़ा दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि अब रूम में 3-4 बॉक्सेस रख दिए जाते हैं, साथ में 1-2 डंडे होते हैं, और जो बनाना से उनको और ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। अब जो चिंपैंजी था वो क्या करता है, एक बॉक्स और स्टिक की सहायता से बनानास को प्राप्त नहीं कर सकता था, तो वो बनानास को तभी प्राप्त कर सकता था जब वो 2 या 3 बॉक्सेस को लगा के स्टिक की सहायता से उनको प्राप्त कर सकता था। तो चिंपैंजी ने क्या किया, उसके दिमाग में अचानक ही आइडिया आता है कि एक के ऊपर एक बॉक्सेस को वो रखता है और स्टिक की सहायता से इन बनानास को प्राप्त कर लेता है। तो इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो यही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति में अचानक ही सूझ पैदा होती है जिसके द्वारा वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, यानी कि इंक्यूबेशन की स्टेज हम इसको कह सकते हैं, अचानक ही सूझ पैदा होना। देखिए, कोहलर के द्वारा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको जाना जाता है एक्सपेरिमेंट विद 2 स्टिक्स, यानी कि 2 छड़ियों के साथ प्रयोग। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो सिचुएशन थी उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट बना देते हैं। अब क्या करते हैं, चिंपैंजी को पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, उस पिंजरे के अंदर 2 स्टिक्स होती हैं, एक मोटी स्टिक होती है यानी कि होलो स्टिक होती है, और एक पतली लंबी स्टिक होती है। तो इस होलो स्टिक के अंदर इस पतली वाली लंबी स्टिक को डाल के इसको एक लंबी स्टिक बनाया जा सकता है, और जो केले थे वो इतनी दूरी पर पिंजरे के बाहर रखे जाते हैं कि इस लंबी स्टिक से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो चिंपैंजी पहले 1 स्टिक का प्रयोग करके ट्राई करता है, लेकिन नहीं होती, तो उसके दिमाग में अचानक ही आइडिया आता है और वो दूसरी वाली स्टिक को इसके अंदर फंसा के और फिर बनाना उसको प्राप्त कर लेता है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में कोहलर ने अलग अलग तरह के डिफरेंट चिंपैंजीज को प्रयोग किया, लेकिन उनका जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। जो दूसरे चिंपैंजीज थे उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम को सोल्व किया वो उन्होंने सुल्तान की ने किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया उसको देखकर उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व किया, लेकिन जो सुल्तान चिंपैंजी था वो बहुत इंटेलिजेंट था। और यहाँ इन प्रयोगों के द्वारा वो यही कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अचानक सूझ पैदा होती है, उसके द्वारा ही वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो दोस्तों, कोहलर जो है अपने इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या कंक्लूड करते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि उनके जो चिंपैंजीज थे उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज नहीं किया अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को इंटेलिजेंटली सॉल्व किया, यानी कि बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने। तो इसके लिए वो इनसाइट शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं कि लर्निंग जो है इनसाइट के थ्रू होती है, सूझ के द्वारा लर्निंग होती है। तो इस थ्योरी में इनसाइट के अंदर कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है, यानी कि इसका मानदंड क्या क्या होता है, सूझ सिद्धांत का क्राइटेरिया क्या है? तो इनसाइट थ्योरी का जो क्राइटेरिया है, जो मानदंड है, वो क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को एज अ होल समझा जा सकता है। जो लर्नर होता है वो किसी चीज़ को एज अ होल परसीव करता है,
और लर्नर ट्राई करता है कि जो भी सिचुएशन उसके सामने है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, उनको जज करता है, उन फैक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लर्नर को जो है अपनी प्रॉब्लम का अचानक ही इनसाइट के थ्रू उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इनसाइट डिपेंड करती है, यानी कि सूझ कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। तो व्यक्ति का इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लर्निंग सिचुएशंस किस तरह की है, इनिशियल एफर्ट्स वो क्या करता है, और रेपिटेशन और जनरलाइजेशन किस तरह से करता है, ये चारों ही फैक्टर जो है इनसाइट के लिए जरूरी होते हैं। तो दोस्तों ये थी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब हम देखते हैं इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि शिक्षा में इसका किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स पर इसमें जो है फोकस किया गया है, इस थ्योरी में बताया गया है कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए किसी भी चीज को समग्र तौर पर समझना यानी कि संपूर्ण तरीके से किसी चीज को करना, लर्निंग जो है पार्ट्स में नहीं होती, इस चीज पर इस थ्योरी में फोकस किया गया है, किसी भी सिचुएशन को हम एज अ होल समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द यूज ऑफ ब्लाइंड फंबलिंग एंड मैकेनिकल ट्रायल एंड एरर शुड बी मिनिमाइज्ड, द लर्नर शुड ट्राई टू सी रेलिवेंट रिलेशनशिप्स एंड एक्ट इंटेलिजेंटली। देखिए ब्लाइंड फंबलिंग यानी कि अंधे प्रयास करना जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, और लर्नर के द्वारा किसी भी चीज को बिल्कुल उन के बीच कोई भी सिचुएशन है उसके बीच क्या रेलिवेंट रिलेशनशिप है उसको समझना चाहिए, उसके बाद उस टॉपिक पर या उस चीज पर उस सिचुएशन के बारे में इंटेलिजेंटली यानी कि बुद्धि के साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट द पर्पस और मोटिव प्लेज द सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। देखिए लर्निंग प्रोसेस में यानी कि सीखने की प्रक्रिया में मोटिव का होना बहुत जरूरी है। मोटिव का मतलब होता है रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज का पर्पस क्या है, सीखने का उद्देश्य क्या है, अगर मोटिव ही नहीं होगा तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये थी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, या हम हिंदी में कह सकते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या है। तो इस थ्योरी को आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसका हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए लर्निंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और ये दी गई है इवान पावलोव के द्वारा। इसको हिंदी में हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी तक हम लर्निंग में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था लर्निंग में कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें मीनिंग डेफिनेशंस एंड करैक्टरिस्टिक्स को किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। इसके बाद हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लर्निंग थ्योरीज, जिसमें हमने डिस्कस किया था बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं वो इन्हीं तीन सेक्ट्स या इजम्स के तहत आती हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इस टॉपिक को आप जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि आगे जितनी भी लर्निंग थ्योरीज आएंगी तभी आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हमने की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसको कनेक्शनिज्म या एसआर बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो आती है बिहेवियरिज्म के तहत। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें दो स्टिमुलस को इस तरह से पेयर या इस तरह से एसोसिएट किया जाता है। कौन कौन से दो स्टिमुलस होता है, एक होता है बायोलॉजिकल या नेचुरल स्टिमुलस और दूसरा होता है कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस। तो इन दोनों के बीच इस तरह से कंडीशनिंग करवाई जाती है, इस तरह का अनुबंधन बनाया जाता है कि अगर कुछ समय के बाद इस नेचुरल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस को हटा दिया जाए तो भी जो है कोई भी एनिमल या व्यक्ति जो है इस तरह की कंडीशनिंग के द्वारा इस तरह का व्यवहार करना सीख जाता है कि अगर सिर्फ उसके सामने न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाए तो भी वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगा जैसा बायोलॉजिकल स्टिमुलस को प्रस्तुत करने पर करता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरी थ्योरी जिस पर डिपेंड है कि इवान पेवलो किस तरह से अपने डॉग को ट्रेन करते हैं कि वो सिर्फ बेल की साउंड के साथ ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पेवलोवियन थ्योरी या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में जो है एसोसिएशन के द्वारा किस तरह से लर्निंग होती है उस चीज पर फोकस किया गया है। इसको डिस्कवर किया था इवान पेवलोव जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे और उनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 में। देखिए इस थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट में ये पहली रिपोर्ट थी यानी कि बहुत ही पुरानी थ्योरी है इसलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी में क्या होता है दो स्टिमुलस को इस तरह से एसोसिएट किया जाता है कि व्यक्ति एक अलग तरह का रिस्पोंड करना सीख जाता है कोई भी एनिमल या व्यक्ति यानी कि दो स्टिमुलस के बीच इस तरह से कंडीशनिंग करवाई जाती है। Next point, he is well known for classical conditioning theory where he trained a dog to salivate with the ringing bell. तो इस classical conditioning theory में Ivan Pavlov जो है dog को train करते हैं कि dog जो है एक bell बजाने पर ही salivate करना शुरू कर देता है। तो किस तरह से वो train करते हैं ये पूरा का पूरा experiment क्या है आइए discuss करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि experiment setup किस तरह से किया गया है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं एक लैब है जिसमें उन्होंने डॉग को बांध के रखा। डॉग के आगे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगी हुई है जिसमें से वो डॉग को ऑब्जर्व करते रहते थे। डॉग के सामने एक बाउल रखा हुआ है जिसमें वो फूड या जो भी मीट वगैरह होता था वो उसको ऑफर करते थे। डॉग के मुँह से एक पाइप को जोड़ा गया है और ये एक डिवाइस है जो उसके मुंह से जो स्लाइवा निकलता है यानी कि जो लार टपकती थी उसको काउंट करने का एक डिवाइस है। और ये एक रिवॉल्विंग ड्रम है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता था कि कितना स्लाइवा वो रिलीज कर रहा है कितना स्लाइवा उसके मुंह से निकल रहा है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप इस तरह से बनाया गया था। तो आइए अब हम देखते हैं वो पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था जो इवान पेवलोव के द्वारा डॉग पर किया गया था। तो पेवलोव ने जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को किस तरह से एसोसिएट करके लर्निंग हो सकती है उस पर उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था उसमें वो क्या करते हैं पहले वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि डॉग को कोई सेलिब्रेट करना नहीं सिखाता। जैसे ही उसको अगर फूड दिया जाता है उसको मीट ऑफर किया जाता है तो वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है यानी कि उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से ये एक नेचुरल अकरिंग प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक भूखे डॉग को अपने लैब में रखा और उसको वो टाइम टू टाइम मीट ऑफर करते थे। तो जैसे ही डॉग जो है फूड को देखता था उसके सामने भोजन आता था वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया कि उस फूड को जो है एक बेल से जोड़ दिया। तो पहले बेल बजाई जाती थी फिर उसको फूड ऑफर किया जाता था। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत दिनों तक दोहराया गया काफ़ी टाइम तक उन्होंने ये कंडीशनिंग करवाई यानी कि जैसे ही बेल बजाई जाती उसको मीट ऑफर किया जाता। जैसे ही डॉग जो है फूड को देखता था उसके मुँह से लार टपकना शुरू हो जाता था यानी कि वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। तो काफ़ी टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहा। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि बेल उन्होंने बजाई लेकिन उन्होंने फूड ऑफर नहीं किया। तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही बेल बजती है तो भी उसके मुंह से उतनी ही क्वांटिटी में स्लाइवा निकलता है जितना कि फूड और बेल दोनों को साथ ऑफर करने पर निकलता था। तो पेवलोव ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध किया है कि जैसे ही बेल की साउंड सुनाई देती है डॉग उतनी ही मात्रा में सेलिब्रेट करता है जितना कि उसको फूड ऑफर किया जा रहा था तब वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये एक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स है यानी कि सेलिवेशन विद द साउंड ऑफ द बेल। जैसे ही बेल की साउंड सुनाई दी वो सेलिवेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसने ये व्यवहार करना सीख लिया था। तो इसको उन्होंने कंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम दिया है जिसको हम शॉर्ट में CR कहते हैं। तो इस थ्योरी में दो तरह के स्टिमुलस और दो तरह की रिस्पॉन्सेज की बात की गई है यानी कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी के। तो इसमें दो तरह के स्टिमुलस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो दो तरह के स्टिमुलस कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट है अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है देखिए इसको हम शॉर्ट में UCS भी कहते हैं। तो एक ऐसी चीज जिसको देखकर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जैसे फूड को देखकर डॉग के मुंह से सेलिवेशन का होना तो ये एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है।
सेकेंड स्टिमुलस होता है कंडीशन्ड स्टिमुलस। तो कंडीशन्ड स्टिमुलस क्या होता है? कंडीशन्ड स्टिमुलस एक प्रकार का न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो बेल का प्रयोग किया गया है, तो बेल एक प्रकार का न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि बेल को बजाने से डॉग सेलिवेट नहीं करता, लेकिन अगर बेल के साथ फूड को ऑफर किया जाता है तो डॉग जो है सेलिवेट करता है। तो बेल प्लस फूड यानी कि कंडीशन स्टिमुलस क्या है? बेल है, और अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? फूड है। अगर इन दोनों को बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाता है या एसोसिएट कर दिया जाता है तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स बाहर आता है। कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब एक कंडीशनिंग हो गई है, डॉग ने जो है बेल के साथ सेलिवेट करना सीख लिया है, क्योंकि जैसे ही बेल बजाई जाएगी तो डॉग को लगेगा कि फूड आने वाला है। तो बेल जो है एक कंडीशन्ड स्टिमुलस है यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये दो तरह के स्टिमुलस, अनकंडीशन्ड और कंडीशन्ड स्टिमुलस का प्रयोग किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में। अब हम आगे देखते हैं टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस कौन कौन से हैं, यानी कि दो तरह के रिस्पॉन्सेस का प्रयोग किया गया है। एक है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स क्या होता है? देखिए, एक ऐसी चीज जो आपको सिखाई नहीं जाती, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपको सिखाया नहीं जाता, आप नेचुरली करते हैं, यानी कि एक नेचुरली अक्रिंग क्रिया होती है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में फूड को देखकर डॉग का सेलिवेट करना, यानी कि जैसे ही डॉग फूड को देखता है तो ऑटोमेटिक उसके मुंह से सलाइवा निकलता है, तो ये एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट है कंडीशन रिस्पॉन्स। देखिए, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है? ये एक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है किसी कंडीशन स्टिमुलस के प्रति, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस बेल है, तो डॉग को क्या सिखाया जाता है कि बेल प्लस फूड अगर इन दोनों को एसोसिएट किया जाता है तो भी डॉग सेलिवेट करता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या कंडीशनिंग करवाई जाती है कि सिर्फ बेल बजाया जाता है लेकिन फूड प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो भी डॉग क्या करता है, सेलिवेट करना सीख जाता है, यानी कि वो एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स देना सीख जाता है किसी कंडीशन्ड स्टिमुलस के प्रति। तो डॉग के सामने जब सिर्फ बेल बजाई जाती है तो भी डॉग सेलिवेट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि फूड आने वाला है, यानी कि एक तरह की कंडीशनिंग हो गई है बेल और सेलिवेशन के बीच। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द थ्री स्टेजेज ऑफ पेवलोव एक्सपेरिमेंट। देखिए, पेवलोव के एक्सपेरिमेंट की तीन स्टेजेज हैं। कौन कौन सी हैं? बिफोर कंडीशनिंग, यानी कि जब कंडीशनिंग नहीं करवाई गई थी तो क्या होता है? ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग करवाई जाती है तो क्या होता है? जब कंडीशनिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज, बिफोर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है? देखिए, फूड क्या है? एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, और सेलिवेशन करना क्या है? एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि फूड को देखते ही डॉग सेलिवेट करेगा, जैसे ही उसके सामने फूड आएगा डॉग सेलिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन आप अगर डॉग के सामने सिर्फ बेल बजाएंगे तो डॉग किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी कि एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है? डॉग के सामने पहले बेल बजाई जाती है फिर उसको फूड दिया जाता है, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? फूड। उसके साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया, बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो भी डॉग क्या करता है? सेलिवेट करता है। तो इस प्रोसेस को जब बार बार किया गया तो पेवलो ने क्या देखा कि डॉग कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मोड में जा रहा है, यानी कि उसका जो सेलिवेशन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मोड में जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उसके सामने बेल बजाई जाती है और फूड ऑफर किया जाता है तो भी वो सेलिवेट करता है। नेक्स्ट है आफ्टर कंडीशनिंग। देखिए, आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होता है? जब कंडीशनिंग हो गई है, यानी कि बेल को एसोसिएट कर दिया गया था फूड के साथ, तो जैसे ही बेल प्लस फूड ऑफर किया जा रहा था तो डॉग सेलिवेट कर रहा था, लेकिन जब कंडीशनिंग हो गई तो क्या होता है कि सिर्फ बेल बजाई जाती है, उसको फूड ऑफर नहीं किया जाता, तो जैसे ही बेल बजती है तो भी डॉग जो है सेलिवेट करना शुरू कर देता है, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स बाहर आता है कंडीशन स्टिमुलस को देखकर, क्योंकि डॉग को लगता है जैसे ही बेल बजेगी उसको फूड ऑफर किया जाएगा, तो डॉग जो है एक तरह से कंडीशन हो गया है किसके साथ? बेल के साथ। तो बेल और सेलिवेशन में एक प्रकार का कंडीशनिंग हो गया है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के कुछ सिद्धांत हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए, उन्होंने रीइंफोर्समेंट पर भी फोकस किया है। तो पेवलोव के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण ही कंडीशनिंग हुई है। तो इस थ्योरी में जो फूड है, यानी कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, वो एक तरह से रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइम इंटरवल। देखिए टाइम इंटरवल का सिद्धांत ये कहता है कि जो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच पेयरिंग करवाई थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी अगर इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टाइम गैप रहेगा, यानी कि बार बार फूड और बैल के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप होगा। तो डॉग ने जो कंडीशनिंग या पेयरिंग करना सीखा था कि जैसे ही बैल बजेगी उसको फूड मिलेगा, तो वो कंडीशनिंग कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी अगर बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल है दोनों के बीच। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्तीकरण, यानी कि किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो बार बार अगर सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस को अकेला प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि डॉग के सामने अगर सिर्फ बैल बजाई जाएगी और बार बार उसके सामने फूड को ऑफर नहीं किया जाएगा बैल के साथ, तो डॉग ने जो कंडीशनिंग सीखी थी वो जो कंडीशन रिस्पॉन्स जो कर रहा था, यानी कि जैसे ही बैल बजाई जा रही थी वो सेलिब्रेट कर रहा था, तो वो सेलिब्रेट करना एक टाइम के बाद बंद कर देगा क्योंकि उसने जो प्रोसेस सीखा था, जो कंडीशनिंग सीखी थी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ की रिकवरी हो जाना। तो आफ्टर एक्सटिंक्शन, यानी कि जो चीज़ विलुप्त हो गई थी उसके बाद अगर एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद डॉग के सामने बैल बजाई जाती है, तो हो सकता है कि वो अचानक से उस चीज़ को पहचान ले, वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दे, यानी कि उस चीज़ की अचानक से रिकवरी हो सकती है विदाउट किसी ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। देखिए स्टिमुलस जनरलाइजेशन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी एनिमल या व्यक्ति न केवल कंडीशन स्टिमुलस के प्रति बल्कि उसके सामने दूसरे, अगर उस जैसे दूसरे सिमिलर स्टिमुलस भी प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके प्रति भी वो जनरलाइज हो जाता है, उनके प्रति भी वो उसी प्रकार का व्यवहार करना सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उद्दीपक विभेदीकरण। तो जब सब्जेक्ट अपने स्टिमुलस के प्रति रिस्पोंड करना सीख जाता है, तो अगर उसके सामने कोई दूसरा स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है तो वो अपने स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। पेवलो के एक्सपेरिमेंट में मान लो डॉग के सामने जो बैल बजाई जा रही थी उससे वो आइडेंटिफाई हो चुका था, उसके सामने अगर कोई दूसरी तरह की बैल बजाई जाएगी तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। देखिए ये सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी न्यू स्टिमुलस के प्रति कंडीशनिंग हो जाती है तो हायर ऑर्डर की कंडीशंस को भी डिजाइंड किया जा सकता है, यानी कि हायर ऑर्डर की कंडीशनिंग भी करवाई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये थे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के द्वारा क्या होता है कि किस तरह से इसको शिक्षा में यूज किया जा सकता है, इसके द्वारा बच्चों में छोटी छोटी गुड हैबिट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जैसे क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज फॉर डी कंडीशनिंग और ब्रेकिंग ऑफ एंग्जाइटी फियर एंड फोबिया। देखिए बच्चों में कुछ कंडीशनिंग हो गई है फियर एंग्जाइटी या फोबियाज के प्रति, तो उसको डी कंडीशन करके तोड़ा भी जा सकता है, यानी कि इनकी डी कंडीशनिंग करवाई जा सकती है। इसके द्वारा बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस थ्योरी में रेनफोर्समेंट पर भी एम्फसाइज किया गया है, यानी कि बच्चों को अगर पुनर्बलन दिया जाए, बार बार उनको अगर अच्छी चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वो कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आज की इस वीडियो में हमने इस थ्योरी को बहुत ही डिटेल में समझा है। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं लर्निंग के जो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, मैं एक बार आप लोगों को उसका ओवरव्यू देना चाहूंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग डेफिनेशंस एंड करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। आफ्टर दैट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद लर्निंग थ्योरीज, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसको कनेक्शनिज्म या एसआर बूम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। उसके बाद हमने किया था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये 7 टॉपिक्स
हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हिंदी में क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है लर्निंग का एक ऐसा मेथड होता है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार करने पर उसको या तो रिवॉर्ड दिया जाता है या पनिशमेंट दिया जाता है। देखिए, हमारे बचपन से लेकर हम अभी तक यही फेस करते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है और बुरा करते हैं तो पनिशमेंट मिलता है। और इसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट से हमारी लर्निंग होती है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो एक सिंपल तरीके से इसको समझते हैं कि कोई बिहेवियर है, यानी कि एक प्रकार का बिहेवियर है, हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज होता है, यानी कि कोई भी व्यवहार जब हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। तो अगर वो कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो रिजल्ट है, जो हमने व्यवहार किया वो पॉजिटिव है, हमने अच्छा काम किया है तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, अगर अच्छा नहीं किया नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है तो हमें पनिशमेंट मिलता है। तो ये थ्योरी रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर ही आधारित है, यानी कि कोई पहले व्यवहार किया जाता है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या आते हैं उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड है। तो अगर हमें रिवॉर्ड मिला है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, अगर वो पॉजिटिव आया है तो हम उस व्यवहार को रिपीट करते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो हम उस व्यवहार को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि उस बिहेवियर को वहीं रोक देते हैं अगर हमें पनिशमेंट मिलता है। देखिए, बीएफ स्किनर ने इस थ्योरी को दिया है, उनको इस थ्योरी का फादर कहा जाता है और उनकी ये थ्योरी थोर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है। देखिए, थोर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी उसमें हमने उनके तीन लॉज को डिटेल में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट पर ये थ्योरी आधारित है, यानी कि प्रभाव का जो नियम था उनका उस पर आधारित है। तो थोर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, यानी कि प्रभाव का जो नियम उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो उसको रीइन्फोर्समेंट मिलता है, यानी कि व्यक्ति उस व्यवहार को रिपीट करता है, रीइन्फोर्समेंट व्यक्ति के व्यवहार को स्ट्रेंथन करता है। अगर रीइन्फोर्समेंट नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। तो स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्टडी किया, यानी कि व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, तो इसको कंडक्ट करने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एनिमल्स पर किए थे, जिनमें रैट और पिजन के जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी फेमस है। इसके लिए उन्होंने एक बॉक्स का निर्माण किया था, यानी कि एक बॉक्स बनाया था जिसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। एक तरह से थोर्नडाइक ने जो पजल बॉक्स बनाया था उसी की तरह से ये स्किनर बॉक्स है। Now let me explain the experiment that is done by the Skinner on rat. देखिए, रेट के ऊपर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो उन्होंने जो बॉक्स बनाया था वो इस तरह का था, यानी कि एक फूड पैलेट है, ये बॉक्स है, इसमें जो है ये डिस्पेंसर ट्यूब है और ये फूड कप है अंदर जो लगा हुआ है। नीचे इलेक्ट्रिक ग्रिड बनी हुई है जो कि उसको शॉक देने के लिए, यानी कि एक स्विच भी लगाया हुआ है कुछ हल्का सा शॉक देने के लिए। दो तरह की लाइट्स का यूज किया गया है, ये लीवर है, तो फूड उसको तभी मिलेगा जब वो इस लीवर को प्रेस करेगा। तो ये इसका पूरा स्किनर बॉक्स है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने रेट पर किया था। वैसे अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएफ स्किनर के द्वारा जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर किए गए थे, लेकिन उनका रेट और पिजन का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी फेमस है। इसके लिए उन्होंने स्किनर बॉक्स बनाया, यहाँ आप देख ही सकते हैं। तो क्या किया, इस बॉक्स में उन्होंने एक भूखे चूहे को, यानी कि जो रैट है वो कैसा है, हंग्री है, भूखा है, उसको अंदर रखा। उसको जैसे ही अंदर उस बॉक्स के अंदर डाला जाता है तो वो चारों तरफ एक्सप्लोर करता है, यानी कि इधर उधर घूमता है। तो अचानक उसका जो है उसको एक लीवर दिखाई देता है, वो उस लीवर को प्रेस कर देता है। तो जैसे ही प्रेस करता है तो इस फूड पैलेट से जो है उसको इस फूड कप में फूड मिल जाता है, यानी कि उसको फूड मिलता है जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता है। तो अपनी भूख को वो मिटा लेता है। दोबारा से जब उसको फिर भूख लगती है तो फिर से वो एक्सप्लोर करता है, इधर उधर घूमता है और अचानक से फिर उसका पैर लीवर पर पड़ता है और उसको दोबारा से फूड मिल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है 4-5-6 काफ़ी बार दोहराई गई। तो एक टाइम के बाद क्या हुआ कि चूहा जो है इस पूरी प्रोसेस को समझ गया। वो मतलब सीधा जाता है, लीवर को प्रेस करता है, जैसे ही लीवर को प्रेस करता है तो उसको जो है रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, फूड मिल जाता है। तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट।
तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट उसको कैसे मिल रहा है? सबसे पहले क्या करता है, जैसे वो लीवर को प्रेस करता है यानी कि कोई बिहेवियर वो करता है, उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि पहले बिहेवियर किया जाता है, उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या है, उसको फूड मिल जाता है। तो फूड एक तरह से उसके लिए पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का काम कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्किनर ने नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट को भी एक्सप्लेन किया है। तो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट को उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने क्या किया कि चूहा भूखा नहीं है, फिर भी जब वो इस बॉक्स में डेस्परेटली इधर उधर घूम रहा है तो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो जैसे ही जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो अचानक जब उसका पैर लीवर पर पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है बंद हो जाता है। तो बार बार जब इस प्रोसेस को किया जाता है तो एक टाइम के बाद जो है रेट ने ये समझ लिया कि इस इलेक्ट्रिक करंट से अगर बचना है तो आप उसको इस लीवर को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो लीवर को डायरेक्ट सीधा जाके लीवर को प्रेस करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है एक तरह से नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ स्किनर जो है ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के द्वारा भी व्यक्ति के व्यवहार की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को शेप दी जा सकती है। तो यहाँ जो रेट है वो इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए बार बार अच्छे व्यवहार को कर रहा है, यानी कि बार बार लीवर को प्रेस कर रहा है ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट से बच जाए, कोई भी ऑपरेंट रिस्पॉन्स वो कर रहा है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो वो एक तरह से उसके लिए रिवॉर्ड का काम करेगा। तो नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के द्वारा भी किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को शेप दी जा सकती है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने रेट पर किया था। इसके अलावा स्किनर के द्वारा जो है पिजन्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो पिजन्स को भी उन्होंने एक प्रकार का ऑपरेंट बिहेव करना सिखाया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम जो पिजन पर किया था उसको हम नहीं कर रहे हैं, ये मैं जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि पिजन का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी उनका काफी फेमस था। उसमें भी वो पिजन को एक प्रकार का व्यवहार करना सिखाते हैं, यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर वो करना सिखाते हैं। तो अब इस थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस थ्योरी में कुछ मेन मेन कंपोनेंट्स की बात की गई है, उनको हम समझेंगे। तो इस थ्योरी में जो दो मेन टर्म्स हैं, प्रिंसिपल टर्म्स हैं, रीइन्फोर्समेंट और पनिशमेंट, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो उन दोनों ही टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो रीइन्फोर्समेंट क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ द बिहेवियर, यानी कि रीइन्फोर्समेंट किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को स्ट्रेंथन करता है। और पनिशमेंट क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ द बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को वीक करता है। तो रीइन्फोर्समेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। दोनों ही तरह का जो रीइन्फोर्समेंट होता है वो व्यक्ति के व्यवहार को इंक्रीज करता है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को स्ट्रेंथन करता है। जबकि पनिशमेंट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। दोनों ही तरह का पनिशमेंट जो है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को डिक्रीज करता है, वीक करता है। तो दो प्रिंसिपल टर्म्स जो यूज की गई है, रीइन्फोर्समेंट और पनिशमेंट, इन दोनों को ही अब हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम रीइन्फोर्समेंट को समझते हैं। रीइन्फोर्समेंट क्या होता है, तो देखिए कोई भी ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को बढ़ाती है, यानी कि वो व्यवहार पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो चीज उसको बढ़ावा दे रही है, दैट इज कॉल्ड रीइन्फोर्स। तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइन्फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि व्यक्ति जो है उस व्यवहार को इंक्रीज करने के लिए बार बार उस व्यवहार को रिपीट करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे बच्चा अगर होमवर्क कंप्लीट करता है तो टीचर से उसको रिवॉर्ड के रूप में गुड वेरी गुड, यानी कि टीचर उसको प्रेज करती है। इसी तरह से कोई बच्चा अपने रूम को साफ करता है तो पेरेंट्स उसको प्रेज करते हैं, यानी कि उसको रिवॉर्ड देते हैं। तो पॉजिटिव जो रीइन्फोर्समेंट होता है वो एक तरह से रिवॉर्ड का काम करता है, जिसके कारण व्यक्ति उस व्यवहार को बार बार रिपीट करता है। Now let me explain what is the negative reinforcement. देखिए negative reinforcement में व्यक्ति से कुछ लिया जाता है, यानी कि जो उसको थोड़ा सा परेशान करे, वो इसलिए किया जाता है ताकि उसके व्यवहार को strengthen किया जा सके, उसके व्यवहार को shape दी जा सके।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, यानी कि जो फौजी लोग होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं। अगर वो उस रूटीन को फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। और वो किस लिए किया जाता है? ताकि उनके व्यवहार को डिसिप्लिन में रहने की आदत हो, यानी कि उनको डिसिप्लिन बनाने के लिए ही ये व्यवहार किया जाता है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी जो है किसी के व्यक्ति के व्यवहार को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट क्या होता है, तो पनिशमेंट जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो है इंक्रीज करता है बिहेवियर को, तो पनिशमेंट क्या करता है, पनिशमेंट के द्वारा रिड्यूस या इलिमिनेट किया जाता है अनवांटेड बिहेवियर को, यानी कि जो व्यवहार हम नहीं चाहते उसको इलिमिनेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट का यूज किया जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, पनिशमेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पनिशमेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट व्यक्ति के व्यवहार को स्ट्रेंथन करता है, व्यक्ति के व्यवहार को इंक्रीज करता है, जबकि जो पनिशमेंट होता है, जो अनवांटेड बिहेवियर होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए दिया जाता है। यानी कि जो गलत व्यवहार है, जो हम नहीं चाहते कि ये व्यवहार बार बार हो, उसको इलिमिनेट करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो पनिशमेंट जो है दोनों तरीकों से दिया जा सकता है, या तो आप एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस को बार बार देते रहें, उससे भी व्यक्ति को पनिशमेंट आनी शुरू हो जाती है, या फिर जो रिवॉर्ड उसको दिए गए हैं उसको अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो भी एक प्रकार का पनिशमेंट होता है। जैसे अगर हम रैट की केस में देखें तो जो उसको बार बार इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये पनिशमेंट होगी उसके लिए, और जो फूड उसको दिया जा रहा था उसको अगर रोक देंगे, नहीं देंगे, तो भी एक प्रकार का पनिशमेंट होगा उसके लिए। तो पनिशमेंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से दिया जा सकता है। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द पॉजिटिव पनिशमेंट। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, इसको पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रयोग के द्वारा दंड देना। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, यानी कि इस तरह का कोई स्टिमुलस व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वो जो व्यवहार अनवांटेड बिहेवियर वो कर रहा है उसको दूर किया जाए। यानी कि इसमें जो है कुछ ना कुछ दिया जाता है बच्चे को। किस लिए दिया जाता है, ताकि उसके व्यवहार की फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज किया जाए। जैसे बच्चे अगर क्लास में इंटरप्ट करते हैं, टीचर पढ़ा रही है और बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो टीचर जब बच्चों को डांटती है तो ये एक प्रकार का उनके लिए पॉजिटिव पनिशमेंट है, ताकि जो वो अनवांटेड बिहेवियर कर रहे हैं वो बार बार ना करें। Now let me explain what is the negative punishment. देखिए negative punishment क्या होता है, तो negative punishment को punishment by removal भी कहते हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ remove किया जाता है किसी व्यक्ति से, यानी कि उसके जो desirable stimulus होता है किसी व्यक्ति का, उसको हम उससे ले लेते हैं। तो इसको एक example से समझते हैं। मान लो एक traffic police वाला एक driver को fine करता है कुछ amount और उसका license भी सीज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि वो ट्रैफिक रूल जो है फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उसका लाइसेंस भी ले लिया, यानी कि उससे रिमूव कर लिया और उसको कुछ फाइन भी किया, यानी कि उसको कुछ पैसे भी देने पड़े। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का नेगेटिव पनिशमेंट है, यानी कि पनिशमेंट बाय रिमूवल, कुछ चीज ले लेना किसी से, उसकी जो डिजायरेबल स्टिमुलस है उसको ले लेना, हटा लेना, रिमूव कर लेना। आई होप कि आप लोगों को रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो डिफरेंस है वो क्लियरली पता चल गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक टर्म क्लियर करना चाहूंगी कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट दोनों में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, कोई भी स्टिमुलस, ऐड स्टिमुलस टू द एनवायरनमेंट। और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में भी कुछ स्टिमुलस को ऐड किया जाता है, यानी कि उसको कुछ दिया जाता है ताकि उसका जो अनवांटेड बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाए। इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है बिहेवियर की उसको डिक्रीज करने के लिए पॉजिटिव पनिशमेंट दिया जाता है। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है दोनों में, लेकिन जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है उसमें रिमूव स्टिमुलस इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति के व्यवहार की जो फ्रिक्वेंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसके व्यवहार को स्ट्रेंथन किया जा सके। और नेगेटिव पनिशमेंट में जो कुछ स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि उसके व्यवहार की फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज किया जा सके, यानी कि उसका जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको रोका जा सके, उसके लिए कुछ ना कुछ उससे रिमूव किया जाता है, लिया जाता है। देखिए इस थ्योरी में स्किनर ने दो तरह के बिहेवियर्स की बात की है।
एक है रिस्पोंडेंट और दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर। तो रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है? वो बिहेवियर जो ऑटोमेटिकली और रिफ्लेक्सिवली होता है, यानी कि इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है, जिस पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। जैसे फूड को देखकर डॉग के मुंह से सेलिवेशन का होना, जैसा कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पढ़ा था, वो इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है। लेकिन स्किनर ने जो है ऑपरेंट बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि जो हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में रहकर करते हैं, यानी कि जो हमें पता है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है वो फ्यूचर में किस तरह का रहेगा। तो ये एक प्रकार का वॉलेंट्री एक्शन होता है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि रीइंफोर्समेंट किस तरह से दिया जाना चाहिए, उसके रूल क्या होने चाहिए, टाइम टू टाइम या कुछ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद उसको दिया जाना चाहिए। तो दो तरह के रीइंफोर्समेंट की बात उन्होंने की है, कॉन्टिन्यूस और पार्शियल। तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति कि हर रिस्पॉन्स के बाद उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, यानी कि जैसे ही बच्चा कोई रिस्पॉन्स देता है तो टीचर उसको बार बार यस, वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट, हर रिस्पॉन्स पर उसको रीइंफोर्समेंट देना। देखिए, नेक्स्ट है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल का मतलब भागों में रीइंफोर्समेंट देना, यानी कि कुछ टाइम पीरियड या कुछ पर्टिकुलर टाइम या नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट होता है ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको एक बार मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। देखिए, पार्शियल, इंटरवल और रेशियो दो तरह से दिया जा सकता है। तो इंटरवल का जो संबंध होता है वो टाइम से होता है और रेशियो का होता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से। तो इंटरवल यानी कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद या टाइम को चेंज कर दिया जाता है। तो फिक्स में जैसे हर पाँच मिनट के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, वेरी कर दिया जाता है, टाइम को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि पहले 5 मिनट के बाद दिया, फिर 10 मिनट के बाद, फिर 15 मिनट के बाद। इसी तरह से नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रेशियो में क्या होता है, कितने अनुपात में, किस रेशियो में उसको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, यानी कि कितने रिस्पॉन्स कर रहा है तब उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो ये भी दो तरह से होता है, एक होता है फिक्स और दूसरा है वेरिएबल। इसको एक और पिक्चर के द्वारा मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। तो जो रेशियो शेड्यूल होता है वो किस पर बेस्ड होता है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पर, यानी कि दो तरह से होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड में मान लो हर 5 रिस्पॉन्स के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। वेरिएबल में क्या होता है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को चेंज कर दिया, पहले 5 रिस्पॉन्सेज के बाद दिया, फिर 10 रिस्पॉन्सेज के बाद दिया, फिर 15 रिस्पॉन्सेज के बाद उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो इस तरह से वेरी कर दिया जाता है। तो यहाँ एक बात ध्यान देनी जरूरी है कि जो इंटरवल शेड्यूल होता है वो टाइम पर बेस्ड होता है और जो रेशियो शेड्यूल होता है वो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पर बेस्ड होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शिक्षा में इसको किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, द टास्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन बी सक्सेसफुली मैनिपुलेटेड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग Using positive and negative reinforcers। देखिए, इस थ्योरी में जो है रीइंफोर्समेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी कि रीइंफोर्समेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार की फ्रिक्वेंसी को इनक्रीज करते हैं। तो टीचर जो है बच्चों में गुड हैबिट्स और एटीट्यूड का डेवलपमेंट कर सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा, यानी कि उनमें जो है अच्छी आदतें, उनकी जो अभिवृत्ति, उनका जो एटीट्यूड है उसको डेवलप किया जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एप्लीकेबल टू प्रॉब्लम सच एज टीचिंग अर्थमेटिक, स्पेलिंग, लैंग्वेज, साइंस एटसेट्रा थ्रू द टेक्निक ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। देखिए, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का जो सिद्धांत है उसके द्वारा बच्चों में अर्थमेटिक, स्पेलिंग, लैंग्वेज, साइंस को बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है, यानी कि उनके सामने छोटी छोटी फ्रेम्स, एक तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से भी इन्फ्लुएंस है। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि उनको किस तरह से इंस्ट्रक्ट करके उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, उनको शेप दी जा सकती है उनके बिहेवियर को। तो बच्चों को जो है जो मैथमेटिक्स का, जैसे अगर बच्चा एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो उसके सामने दूसरा फ्रेम प्रस्तुत किया जाता है।
तो एक तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की टेक्निक का यूज करके बच्चों को अर्थमेटिक, स्पेलिंग, लैंग्वेज, साइंस को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इस थ्योरी में पनिशमेंट की बात भी की गई है, यानी कि पनिशमेंट को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट जो है व्यक्ति के व्यवहार की फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करता है, कुछ समय के लिए उसके व्यवहार को दबा देता है, लेकिन इफेक्टिव नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए ये इफेक्टिव नहीं होता है। तो जो उसका इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति का, उसको इग्नोर किया जाना चाहिए, उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए, उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जो है पनिशमेंट जो है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को कुछ समय के लिए दबा देता है। तो अगर हम उसको जो है इग्नोर करेंगे तो हो सकता है उसका एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्तिकरण भी हो जाए। धीरे धीरे जो व्यवहार गलत व्यवहार होता है उसको अगर इग्नोर किया जाता है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। मैंने इस थ्योरी को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है उसको समझेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बीच क्या डिफरेंस होता है, कुछ मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगी कि लर्निंग का जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स को किया था। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, उसके बाद लर्निंग थ्योरीज में हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कस किया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको कनेक्शनिज्म, एसआर बूम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। उसके बाद इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बाद हमने किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दोनों को ही हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो तभी आप लोगों को क्लियर होगा जब आप इन दोनों थ्योरीज को डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो ये वाली दोनों वीडियोस आप पहले देखिएगा, फिर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ए टू जेड पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ हम कुछ मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि ये डिस्क्राइब करेंगे कि दोनों थ्योरीज एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये किसने दी थी, इवान पावलो, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, और उनको 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस थ्योरी के लिए। और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको दिया था बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था, और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इनवॉलेंट्री या ऑटोमेटिक बिहेवियर पर फोकस किया गया। देखिए इनवॉलेंट्री बिहेवियर वो होता है जो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता, जो ऑटोमेटिक होता है। जैसे इवान पावलो के द्वारा जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जैसे ही फूड को डॉग देखता है तो वो सेलिवेट करता है, तो ये एक इनवॉलेंट्री बिहेवियर था। जबकि इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में वॉलेंट्री बिहेवियर पर फोकस किया गया है। वॉलेंट्री बिहेवियर का मतलब जो व्यक्ति अपने कॉन्शियस कंट्रोल के द्वारा करता है कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, पहले स्टिमुलस आता है उसके बाद रिस्पॉन्स होता है, यानी कि स्टिमुलस पहले रिस्पॉन्स बाद में। स्टिमुलस जैसे डॉग पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसमें स्टिमुलस क्या था, पहले फूड आता है उसके बाद डॉग सेलिवेट करता है, यानी कि फूड को देखकर सेलिवेशन करना। तो स्टिमुलस क्या है, फूड है, बाद में डॉग जो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स क्या करता है, सेलिवेशन। तो स्टिमुलस पहले आता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें क्या होता है, बिहेवियर्स कम फर्स्ट एंड देन रिवॉर्डेड और पनिश्ड, यानी कि पहले जो है रैट बिहेवियर करता है उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस आता है। बिहेवियर क्या करता है, पहले वो लीवर को प्रेस करता है, उसके लिए वो क्रियाएं करता है, बाद में उसको रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलता है, ये उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट। तो पहले बिहेवियर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पहले कुछ क्रिया करनी पड़ती है
उसका रिजल्ट उसको बाद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, रिस्पॉन्सेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टिमुलस, यानी कि जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो स्टिमुलस के कंट्रोल में होते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, फूड होता है। जैसे ही डॉग फूड को देखता है उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद वो सेलिवेशन करता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो स्टिमुलस के कंट्रोल में होता है। वेयर एज इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि रैट के कंट्रोल में होते हैं कि रैट जैसा बिहेवियर करेगा उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एस कंडीशनिंग। देखिए इसको एस कंडीशनिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टिमुलस पहले आता है और रिस्पॉन्स बाद में आता है, तो इसको SR या S कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसको R कंडीशनिंग कहा जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स पहले करना पड़ता है स्टिमुलस के रूप में, अवार्ड या पनिशमेंट जो भी होगा वो उसको बाद में मिलता है, तो इसको R कंडीशनिंग कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को, और इसको S कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स को पेयर किया जाता है एक आर्टिफिशियल या न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ। देखिए ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच, दोनों थ्योरीज के बीच, आप तभी समझ पाएंगे जब आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। देखिए हमने पीछे बहुत अच्छे से किया था न्यूट्रल या आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या होता है, तो आपने सभी ने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो बेल है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो क्या थी, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, और डॉग जो है उसके साथ कंडीशनड हो गया था, यानी कि जैसे ही पहले क्या सिखाया गया था उसको बेल प्लस फूड, यानी कि पहले बेल बजाई जा रही थी फिर फूड दिया जा रहा था तो वो सेलिवेट कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो आर्टिफिशियल या न्यूट्रल स्टिमुलस था उसके साथ डॉग कंडीशनड हो गया था, यानी कि सिर्फ बेल बजाई जा रही थी तो भी वो सेलिवेट कर रहा था, यानी कि एक कंडीशनड रिस्पॉन्स वो दे रहा था। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है बिहेवियर या रिस्पॉन्सेज इज पेयर्ड विद कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पहले बिहेवियर या कोई रिस्पॉन्स करना पड़ता है उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। जो एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया था रैट के ऊपर, तो हमने उसमें क्या देखा था कि पहले रैट क्या करता है, पहले लीवर को प्रेस करने का प्रोसेस वो सीखता है, उसके बाद उसको फूड मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होता है, हेयर द स्टिमुलस विच इज न्यूट्रल इन नेचर इज टर्न्ड इनटू अ कंडीशनड स्टिमुलस टू एक्सट्रैक्ट अ बिहेवियर। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, जब जो न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जो बेल होती है उसको बार बार फूड के साथ प्रस्तुत किया जाता है डॉग के सामने, तो क्या होता है डॉग सेलिवेट करना सीख जाता है, यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो एक तरह से कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। अब जब वो कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि जब कंडीशनिंग हो जाती है तो सिर्फ जब बेल को बजाया जाता है तो भी डॉग क्या करता है सेलिवेट करना सीख जाता है, तो कंडीशनड स्टिमुलस के द्वारा एक्सट्रैक्ट अ बिहेवियर यानी कि जो डॉग है वो एक बिहेवियर करना सीख जाता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल और वो एक तरह से कंडीशनड स्टिमुलस बन गया जिसके कारण डॉग जो है एक तरह का व्यवहार करना सीख गया। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट इज इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू मेक अ बिहेवियर स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में इसका ऑपोजिट होता है, पहले बिहेवियर करना पड़ता है उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, रीइंफोर्स मिलेगा, ये डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पर, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है उसके बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाते हैं, यानी कि पहले क्रिया करनी पड़ती है फिर पता चलता है कि अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसके आधार पर उसकी लर्निंग होती है। जबकि उसमें जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस के को इस तरह से कंडीशनड किया जाता है कि जो डॉग होता है वो एक तरह से बिहेवियर करना सीख जाता है, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस के द्वारा कंडीशनड रिस्पॉन्स का आना। जबकि इसमें उसका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट क्या होता है, पहले बिहेवियर उसके बाद उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट,
क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ पैसिव लर्निंग प्रोसेस। देखिए लर्निंग का एक पैसिव प्रोसेस होता है क्योंकि डॉग जो होता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो स्टिमुलस को देखता है उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है, यानी कि स्टिमुलस के कंट्रोल में है उसका जो रिस्पॉन्स करना। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का एक एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जो स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या है कि रैट कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, पहले वो सीख रहा है, कोई बिहेवियर कर रहा है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का एक एक्टिव प्रोसेस है जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग एक पैसिव प्रोसेस है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है, कुछ मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ हमने डिस्कस किया है। देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहूंगी कि दोनों का डिफरेंस आपको तभी समझ आएगा जब आपने दोनों थ्योरीज को डिटेल स्टडी किया होगा। और अगले वीडियो में हम लर्निंग की एक और थ्योरी को डिस्कस करेंगे, यानी कि रॉबर्ट गैने का पदानुक्रमिक सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे।